नमस्कार। मानसून आ चुका है तो चलिए कुछ पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट के बारे में। तो सबसे बढ़िया बात है, इसको आप कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं, ये आराम से लग जाता है। आप इसको बोतल में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा हो, टब हो, कोई पाइप हो, जिसमें आप लगाते हो उसी में ये आराम से लग जाता है। ये कम से कम जगह में लगता है। कोई भी रस्सी हो उस पर आप इसको चढ़ा सकते हैं, आराम से चढ़ जाता है। अगर आपके पास मिट्टी में जगह नहीं है तो आप इसको गमले में या बोतल में लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको प्लास्टिक के डिब्बे में लगाया है। आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ी पत्ती और आ चुकी है। यहाँ पे मैंने इसको एक टूटी हुई पाइप थी उसमें लगाया, इसमें ये अच्छी खासी ग्रोथ कर चुका है। यहाँ पे मैंने इसको मिट्टी में लगाया है तो ये मिट्टी में भी आराम से लग जाता है। ध्यान में ये रखना है कि जहाँ पे आप ये लगा रहे हो उस साइड हम जाता आते जाते ना हो, ये एक साइड में हो। जिस जगह का हम कम से कम यूज कर रहे हैं उस जगह में हमें इसको लगाना चाहिए। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, ऑक्सीजन भी इतनी अच्छी देता है। कई लोग इसको गुडलक के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक जो इसको ऑक्सीजन का भंडार मानते हैं। आजकल के बच्चे इसको सुंदरता के रूप में देखते हैं। आप जिस रूप में इसको देखना चाहते हो उसमें देख सकते हैं, पर आपको ये पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। मुझे तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैंने अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अब बात करें इसमें खाद देने की, तो वो भी हमें कोई बाहर से खरीद के नहीं लानी है। यहाँ पे मैं जो चावल हम लोग खाते हैं घर में, कोई भी चावल आप खाते हो वो चावल मैं धो रही हूँ, और उसका जो पानी है वो मैं एक बर्तन में निकालती हूँ। आप मेरा जो भी वीडियो देखते हैं उसमें मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि हमें जो चावल दाल का पानी है वो नीचे नहीं गिराना चाहिए। वो हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छा खाद का काम करता है। एक से दो बार मैं अच्छे से इसको धो के यही पानी जो है गमले में डालूंगी। आप बाहर से सब्जी लेके आते हो उसको डायरेक्ट एक टब में डाल दीजिए, 15 से 20 मिनट इसको भिगो दीजिए। उसके बाद आप सब्जी को निकाल लीजिए, जो उसका पानी हो वो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। उस पर कई तरह की खाद लगी हुई होती है, वो आप दूसरे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इसी तरह से मैं चावल और दाल दोनों का पानी जो है वो निथार के एक बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ। दो बार मैंने इसको धो लिया है, दो से तीन बार तक अच्छे से इसका पाउडर निकलता है। हमें इसको अच्छे से धो के खाना चाहिए क्योंकि इस पर पालिश लगी हुई होती है, और यही जो पानी है वो हमारे खाद का भी काम आएगा। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसका जो पानी है वो मैंने निकाल लिया है। इसी तरह मैंने चावलों को धो लिया है, और चावलों का जो पानी था वो भी मैंने अच्छे से एक बर्तन में निकाल लिया है। यही पानी मैं ले जाके जहाँ पे मैंने गमले में मैंने प्लांट लगा रखा है उसमें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये अच्छे खासे खाद का काम करता है। आप इस तरह से लगाइए पेड़ पौधे, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।